आप हमारे लायक नहीं रहे राव साहब, तो मैं क्यों मानूं? यह कहकर रानी रूठ जाती है और रूठी रानी कहलाती है। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के एक रानी की जो आजीवन अपने पति से रूठी रही, इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी गई। दोस्तों, दरअसल हम बात कर रहे हैं राजकुमारी उमादे की, जो जैसलमेर की राजकुमारी थी। 24 वर्ष की उम्र में इनकी शादी 52 युद्धों को जीतने वाले शूरवीर योद्धा राव मालदेव से सन 1535 में होती है, जो जोधपुर के शासक होते हैं। ऐसे योद्धा को पति पाकर राजकुमारी बहुत खुश होती है। शादी के बाद राजा मालदेव अपने सगे संबंधियों और सरदारों के साथ महफिल में बैठे रहते हैं। इधर राजकुमारी उमादे सुहाग की सेज पर उनकी राह देखती देखती थक जाती है। इस पर रानी उमादे ने अपने दहेज में मिली अपनी दासी भारमली को राजा को बुलाने भेजती है। राव मालदेव जो नशे में होते हैं, खूबसूरत दासी को रानी समझ बैठते हैं और उसे अपने पास बिठा लेते हैं। जब बहुत देर तक राव सा रानी सा के पास नहीं पधारते हैं, तो रानी सा राव सा के कक्ष में जाती है। जब रानी सा राव सा को दासी के आगोश में देखते हैं तो नाराज हो जाती है और पूजा की थाली को वहीं पलट देती है। जब राव सा को नशा उतरता है तो वह शर्मिंदा महसूस करते हैं और रानी सा को मनाने की कोशिश भी करते हैं, पर रानी सा रूठ जाती है और राव सा से कहती है कि राव सा, आप मेरे लायक नहीं रहे, मैं नहीं मानूंगी। इसके बाद भी राव सा ने रानी को मनाने की कोशिश की। इसके लिए राव मालदेव ने जोधपुर के मेहरानगढ़ के तलहटी के नीचे रानी के लिए अलग से महल भी बनवाया, पर वहां भी रानी कुछ दिनों तक रुकी और चली गई। दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अटैक किया, तब भी रानी से युद्ध में जाने से पहले राव सा ने मिलने की कोशिश की। इस समय रानी सा ने राव सा से मिलने के लिए कुछ पल के लिए हाँ कर दिया, पर बाद में एन मौके पर रानी सा ने इसके लिए मना कर दिया। इस मना का राव सा के युद्ध पर बहुत बुरा प्रभाव दिखा और इस बार राव सा युद्ध में हार जाते हैं। सन 1562 में राव मालदेव की मृत्यु हो जाती है। जब यह समाचार रानी उमादे के पास पहुँचता है तो रानी सा को इसका बहुत पछतावा होता है और अपने पछतावे का प्रायश्चित करने के लिए रानी सा राव सा की पग को अपनी गोद में रख राव सा के साथ सती हो जाती है। तो यहाँ रानी सा सती होती है, ना कि जोहर। यहाँ सती और जोहर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोस्तों, सती एक परंपरा थी जिसके अकॉर्डिंग कोई भी स्त्री जो अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ उसकी चिता से साथ जल जाती थी, यह प्रथा सती प्रथा कहलाती थी। और जौहर में युद्ध की स्थिति में अपनी जीत को ना देखते हुए गढ़ की सारी औरतें रानियों के साथ आग में विलीन हो जाती थी और गढ़ के सारे मर्द युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते थे, जबकि सती में ऐसा कुछ नहीं है। तो जौहर के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये थी रानी उमादे की कहानी जो आजीवन अपने पति से रूठी रही और रूठी रानी के नाम से कहलाई। आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।